कि बहुत करी शेरों शायरी के बहुत करी शेरों शायरी अब तक फिर सोची कछु अलग बना में बहुत करी शेरों शायरी फिर सोची कछु अलग बना में बात जो पहुंचा नहीं है सब तक फिर तो कछु खास में जावे वो कुछ खास था तो ब्रजवासी में कछु था तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ कि बात जो पहुंचा नहीं है सब तक फिर तो कुछ खास में जामे और मथुरा ते आयो जे छोरा ब्रजभाषा की बोली बोले मथुरा ते आयो जे छोरा ब्रजभाषा की बोली बोले वैसे तो है माँ साहब को लल्लू पड़ जाए सब घमार बता में चल भाई तो ब्रज की मैं कछु बात बताऊँ चल भाई तो ब्रज की मैं कछु बात बताऊँ काना की भाषा हूँ तुझे ही अब जामे मैं कासर माऊँ और हमारी प्रसिद्ध मिठाई पेड़ा बहुए तो सब मोस दिखामे यहाँ हर घर में छोटे छोरा बस किसन कन्हैया बुलामे और कहवे कू तो बहुत कछुए कहवे कू तो बहुत कछुए पर बात करूँ अब काय की बाकी सब तो एक लंग मुँह तो लत लगी है बस चाय की और हम सबरे दोस्तन के संग जब घूमबे जामे वृंदावन की कुंज गलिन में राधे राधे सुर में गामे और यहाँ तो देश विदेश के लोग यहाँ तो देश विदेश के लोग मुरली वारे के दर्शन कुआ में दिल से स्वागत है सबको आओ तुम्हें मथुरा वृंदावन धाम घुमाए में आओ तुम्हें मथुरा वृंदावन धाम घुमा में और हाँ कोई अपनी अकड़ मथुरा में आके दिखावे की गलती ना कर दे कोई मथुरा में आके अपनी अकड़ दिखावे की गलती ना कर दे बेटा यहाँ हर गली में कुंडा पामे और ये नए नए लड़कों के लिए ही 17-18 साल के होने चले हैं वो कि ये खुद को न जाने क्या समझने लगे हैं ये खुद को न जाने क्या समझने लगे हैं जनाब 18 के जो हो चले हैं और घर की देहरी पाँव नहीं टिकता कहते हैं आज़ादी की ओर चले हैं और लहजा तो देखो इनका और ऊपर से इश्क मोहब्बत की बातें भी लहजा तो देखो इनका और ऊपर से इश्क मोहब्बत की बातें भी जिस लिहाज से रहते हैं उससे तो ये आशिकों की आबादी की ओर चले हैं इनसे उन काटने वालियों ने दो चार मीठी बातें क्या कर ली सपने देखने लगे हैं इनसे उन काटने वालियों ने दो चार मीठी बातें क्या कर ली सपने देखने लगे हैं यार कोई बताओ इन्हें सब कुछ हमेशा सच नहीं होता ये जो ख्वाबों की सहजादी की ओर चले हैं और जो कभी खूब दिमाग लगाया करते थे जो कभी खूब दिमाग चलाया करते थे आजकल ये बस दिल की सुनने लगे हैं इस पर आपकी क्या राय है आप बताते रहिएगा फिलहाल तो मेरे हिसाब से बर्बादी की ओर चले हैं बहुत शुक्रिया बिल्कुल और ये फिलहाल ही मैं लिखा था कि देखो शर्माओ मत हम कोई गैर नहीं है देखो शर्माओ मत हम कोई गैर नहीं है आप हमें भी अपना समझ लीजिए जो बात है बिना हिचकिचाए कहें जो बात है बिना हिचकिचाए कहें आपकी हर बात मानी जाएगी आप बस इतना समझ लीजिए और वो शख्स फिर बोल उठा मैं पागल हूँ एक रूप किशोरी के पीछे मैं पागल हूँ एक रूप किशोरी के पीछे कितना पागल हूँ आप जितना समझ सकते हैं उतना समझ लीजिए और वो कोई अप्सरा तो है नहीं मगर किसी अदाकारा से भी कम नहीं वो कोई अप्सरा तो है नहीं मगर किसी अदाकारा से भी कम नहीं अब आपको ये हकीकत तो माननी पड़ेगी वरना आप इसे एक सपना समझ लीजिए और मत पूछो दोस्त कितना शुद्ध करता हूँ उसको याद मत पूछो दोस्त कितना शुद्ध करता हूँ उसको उसका नाम तो मेरे लवों पे ऐसे रहता है उसका नाम तो मेरे लवों पे ऐसे रहता है जैसे हरि का नाम जपना समझ लीजिए बहुत शुक्रिया और दो हैं बस आखिरी की फिर मैं अपनी जगह लूँगा ये माँ के लिए है कि एक छोटी सी बात कह रहा हूँ ज़रा गौर कीजिए साहब कि एक छोटी सी बात कह रहा हूँ ज़रा गौर कीजिए साहब
आप तो फकत पक्के मकानों में रहते हैं, आप तो फकत पक्के मकानों में रहते हैं, कभी हमारे दरवाजे भी दस्तक दीजिए साहब। और आपके हिसाब से तो हम रूखा सूखा खाकर गुजारा करते हैं, आपके हिसाब से तो हम रूखा सूखा खाकर गुजारा करते हैं। अरे माने प्यार मिलाया होता है कभी मेरे टिफिन से, दो रोटियां खाकर देखिए साहब। और ये छोटा सा है कि बस तुमसे है एक ये सवाल मेरा, बस तुमसे है एक ये छोटा सा सवाल मेरा, गहरों तक ने पूछ लिया तुम कब पूछोगे हाल मेरा। बस तुमसे है एक ये सवाल मेरा, गैरों तक ने पूछ लिया तुम कब पूछोगे हाल मेरा, तुम्हें किसी और को देखना मेरी जान ले रहा है, तुम्हें किसी और के देखना मेरी जान ले रहा है, अगर ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहा, अगर ये सिलसिला यूं ही बरकरार रहा तो ज़्यादा वक्त नहीं, न जाने कब हो जाए इंतकाल मेरा। बहुत शुक्रिया। बस मैं एक आखिरी छोटा सा सुनाता हूँ, ये खूबसूरत शेर है, दो लाइन है बस, कि जुल्फ़ें भी बन जाएं उसकी, जुल्फ़ें भी बन जाएं उसकी जैसे कोई बहता झरना, जुल्फ़ें भी बन जाएं उसकी जैसे कोई बहता झरना अगर वो गीले बाल खोल दे, जुल्फ़ें भी बन जाएं उसकी जैसे कोई बहता झरना अगर वो गीले बाल खोल दे, चुप चुप सी रहती है हरदम, मैं भी उसे कोई बात बताऊं अगर वो अपना हाल बोल दे। बहुत शुक्रिया।